हैं वो भी खत्म हो गए हैं, जो एंटीबायोटिक उनके पास अभी है नहीं। कुल मिलाकर ये है कि उनमें से अगर वो डॉक्टर 10 दवा लिख रहे हैं तो 2 दवाइयां ही एसएन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है, बाकी 8 दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि ये टेंडर आखिर लेट क्यों दिया गया, जब ये पता था समूचे स्टाफ को, जब मालूम है प्रशासन को, एएसएन प्रशासन को कि दवाइयों की खपत ज़्यादा होगी क्योंकि सीजन चल रहा है बीमारियों का, ऐसे में कितने समय के बाद मानक होता है कि दवाइयां रहते हुए उनको प्रशासन को, शासन को उनको भेजना पड़ता है? कब भेजा, क्या जल्दी भेज दे या लेट भेजा उन्होंने? एएसएन के प्रशासन से हमारी बात थी, उनका कहना यह है कि हमने तो पहले ही 6 महीने से जो है दवाइयों का ऑर्डर दिया हुआ था, सरकार जो फंड रिलीज करती है वो फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है, इसके कारण जो दवाइयों के टेंडर हैं और जो मशीनों के और भी जो भी टेंडर्स दिए जाते हैं वो सब अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे जैसे फंड आता चला जाएगा वैसे वैसे इन लोगों को जो है दवाइयों की पूर्ति कर दी जाएगी। नहीं, 6 माह मान लिया मैंने कि 6 माह पहले एसएन प्रशासन ने लिखा मेडिकल शासन को, लेकिन उसके कितनी बार फॉलोअप कितनी बार किया है, कुछ रिकॉर्ड है इसका कि उन्होंने हर महीने में फॉलोअप किया उसका, जिससे कि प्रशासन जिससे कि शासन स्तर पर जानकारी हो, शासन भेजे उसे? तो विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि इसकी जानकारी, क्योंकि ये गोपनीय जानकारी होती है और ये डीएम कार्यालय जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सीधे मेल के माध्यम से या फिर जो हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजी जाती है, इसकी जानकारी एसएन प्रशासन कोई भी देने को तैयार नहीं है। बस ये बता देते हैं कि बस हमने टेंडर की जो प्रक्रिया पूरी कर ली है, शासन को ये रिक्वायरमेंट भेज दी है, उसके बाद भी दवाइयां एसएन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। अभी क्या कह रहा है एसएन प्रशासन, अभी क्या कहने के मूड में नजर आ रहा है, कब तक दवाइयों की खेप जो है यहाँ पहुंच जाएगी, क्या कुछ उम्मीद अभी हफ्ते 15 दिन में? विनोद जी, हमने बताया उनको, जब एसएन प्रशासन बात हुई उन्होंने कहा कि दवाइयों के ऑर्डर गए हुए, जैसे ही हमें ऊपर से कोई आदेश मिलेगा तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसएन मेडिकल कॉलेज की एक अलग लीला है, हालांकि जब कोविड हुआ था तो उस समय एसएन मेडिकल कॉलेज ने बहुत ही अलग तरीके से और डिस्ट्रिक्ट ने बहुत ही अलग तरीके से लोगों का इलाज किया, मैनेज किया। तत्कालीन प्रिंसिपल संजय काला साहब यहाँ पर थे, उन्होंने बहुत अच्छे मैनेज किया। लेकिन अब इस वक्त अगर देखें तो पिछले 6 माह से अगर एसएन प्रशासन ने अगर शासन को अगर लिखा है तो अभी तक आखिर दवाइयों की उपलब्धता 6 माह में क्यों नहीं हो पाई? सवाल ये उठता है, क्या इसका एक बार 6 माह के लिखने के बाद 6 माह पहले क्या उसका फॉलोअप नहीं हुआ? इस बात की जानकारी देने के लिए कोई भी वहां पर बोलने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है इस समय तीमारदार मरीज सभी परेशान हो रहे हैं, पैरासीटामोल तक का स्टॉक खत्म है एसएन मेडिकल कॉलेज में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यानी कि समय किल्लत होगी दवाइयों के लोगों के लिए। जो व्यक्ति आप अपना इलाज नहीं करा सकता है, अधिकतर लोग ऐसे गरीब परिवार के लोग एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन जब उनको इस बीच ये भी पता चले कि उनको पैरासीटामोल तक की दवा लेकर आनी है तो आखिर आप सोच सकते हैं उन पर क्या बीतती होगी। इसको लापरवाही ही कह सकते हैं। फिलहाल इसको जल्द ही सुलझाना होगा ताकि आने वाला जो समय है, संकट है, उससे हम निपटारा पा सकें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।